हर घर तिरंगा अभियान अब धर्म स्थलों पर भी पहुंच गया है। सोमवार को नगर के जीवागंज स्थित जैन स्थानक पर विराजे राष्ट्रीय संशी कमल मुनि कमलेश द्वारा तिरंगा अभियान को लेकर शुरुआत की गई। मंसूर की विधायक श्री यशपाल सिंह सिसोदिया व कलेक्टर गौतम सिंह ने अभियान को गति देने के लिए लगातार प्रयासरत है। ऐसी कड़ी में मंसूर विधायक व कलेक्टर ने राष्ट्रीय संत कमल मुनि कमलेश को राष्ट्र ध्वज तिरंगा भेंट कर अभियान को जन जन तक पहुँचाने की अपील की। इस अवसर पर राष्ट्रीय संत कमल मुनि कमलेश ने कहा कि तिरंगा अभियान का जन जन तक प्रचार होगा। तिरंगा भारत देश की सांस्कृतिक विरासत व निर्भीक लोकतंत्र की एक पहचान है। भारत देश को आजाद कराने व देश के वीर सिपाहियों का जज्बा तिरंगा ही था, जिसके नीचे पूरा भारत राष्ट्र खड़ा होकर पूरे विश्व में अपनी एक लोकतांत्रिक पहचान बनाता है। राष्ट्रीय संशी कमल मुनि कमलेश ने इस राष्ट्रव्यापी तिरंगा अभियान में हर तरह से अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने की सहमति प्रदान की और कहा कि तिरंगा अभियान में जैन समाज संपूर्ण रूप से सहभागी होगा। आगामी 15 अगस्त को प्रत्येक जैन परिवार के निवास स्थान पर यह तिरंगा झंडा लहराएगा। मंसूर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने उपस्थित जैन समाजजनों से अपील की है कि तिरंगा देश की आन बान शान है, प्रत्येक परिवार तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की इच्छा के अनुरूप संपूर्ण मंसूर जिले में जगह जगह पर तिरंगा लहराए, इस अभियान को लेकर हम सब जुटे हैं। कलेक्टर गौतम सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की तिरंगा अभियान में संपूर्ण जैन समाज की सहभागिता यदि होती है तो राष्ट्र प्रेम की भावना हर घर तक पहुंचेगी और हम हर दिलों में राष्ट्र प्रेम जगा पाएंगे। आपने कहा कि अब तिरंगा संहिता में भी सरलीकरण हो गया है। इस दौरान राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश और जैन समाज के प्रमुख जनों द्वारा विधायक श्री सिसोदिया, कलेक्टर व जन अभियान परिषद मंसूर नगर विकास प्रस्फुटन समिति के सचिव प्रकाश सिसोदिया का जैन समाज का दुपट्टा व मोतियों की माला पहनाकर बहुमान भी किया गया। इस अवसर पर जैन समाज के प्रमुख व गोपाल कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष अनिल जी संचेती डॉन, वरिष्ठ समाज सेवी प्रकाश रातड़िया, समाज के सचिव विजय खतोड़, पत्रकार महावीर जैन आशीष चौधरिया, शजित खतोड़ व जैन समाज के सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बच्ची व पुरुष वर्ग उपस्थित था। कार्यक्रम का संचालन श्री विजय खतोड़ ने किया और आभार अध्यक्ष अनिल संचेती डॉन ने माना।